बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हियर कम्स द पार्ट टू ऑफ वीडियो थ्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीडियो वन में चैप्टर डज ही रिमेंबर के फर्स्ट टू पेजेस की एक्सप्लेनेशन की गई थी, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ लास्ट टू पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। नाउ टेक आउट योर न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 एंड ओपन इट एट पेज 17। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, सो हियर मी आउट केयरफुली। सो लास्ट टू पेजेस की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी का शॉर्ट रिव्यू देने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस स्टोरी में बचपन के दो दोस्त नबील और माइक की एक लंबे अरसे के बाद होने वाली एक फिनोमिनल मीटिंग के बारे में बताया गया है। एक दिन जब नबील अपने दोस्त माइक से मिलने उसके घर जाता है तो डोर बैल देने के बाद उसे घर के अंदर से आती खूंखार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा देती हैं। सबर आजमा और जहनी कोफ्त में मुब्तला कर देने वाले इंतजार के बाद जब एक बूढ़ा आदमी गेट खोल कर माइक को घर के अंदर नबील के पास एक नीम अंधेरे नुमा कमरे में लेकर पहुंचता है तो वहां हल्की हल्की रोशनी में उसे सोफे पर नबील बैठा नजर आता है, जो उसे देखकर खुशामदीद कहता है, जिसके जवाब में माइक घबराए हुए अंदाज में उसे कहता है, आह नबील, ये तुम ही हो ना? माइक को जवाब मिलता है, हाँ ये मैं ही हूं। इसी दौरान कुत्तों के घुर्राने की आवाज़ें मुसलसल आ रही होती हैं। माइक इन खौफनाक आवाज़ों को सुनकर उम्मीद करता है कि यकीनन ये शिकारी कुत्ते इस कमरे से बाहर ही कहीं होंगे, लेकिन वो खुद को ये यकीन नहीं दिला पाता कि उसका अंदाज़ा ख्याल दुरुस्त भी होगा या नहीं। जो ही माइक थोड़ा सा नबील की तरफ आगे बढ़ता है, उसी लम्हे नबील माइक से कहता है, माइक वहीं रुक जाओ, यूँ तो तमाम कुत्ते बेडरूम में बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा बूढ़ा कुत्ता मरमड्यूक यहाँ सोफे पर मेरे पास सो रहा है। ये सुनकर माइक हैरतजदा आवाज़ में कहता है, क्या मरमड्यूक? और अपने आगे बढ़ते कदमों को रोक लेता है, जैसे कि उसे अचानक मौत आ गई हो, और कहता है, बूढ़ा मरमड्यूक, वो कुत्ता जिसे मैं खूब तंग किया करता था जब वो सिर्फ एक छोटा सा पपी था। नबील माइक की बात सुनकर कहता है, हाँ वही मरमड्यूक, तुम्हें अभी भी याद है? माइक हिचकिचाते हुए और अटक अटक कर कहता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब तो इस बात को काफी जमाना गुजर चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब तो तुम उसे बांध कर रखते होगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मरमड्यूक को तंग करने में मैंने कभी कोई रियायत नहीं की थी और हमेशा ही मैं उसे तंग किया करता था। नबील माइक की बात सुनकर कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद मरमड्यूक को यह सब कुछ याद होगा, और वैसे भी अब तो यह ना से बूढ़ा हो गया है बल्कि अंधा भी हो चुका है, और हाँ मैंने उसे पट्टे से भी नहीं बांधा है और यह तो खुला हुआ है। माइक कहता है, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि अब यह खतरनाक नहीं रहा? यह सुनकर नबील जवाब देता है, किस बात का यकीन? देखो यह तो सोया हुआ है और तुम इसके खर्राटों की आवाजें भी सुन सकते हो, क्या तुम्हें आवाजें नहीं आ रही हैं? नहीं नहीं ये बात नहीं है, माइक फौरन कहता है, बल्कि क्या तुम्हें यकीन है कि मरमड्यूक पिछली तमाम पुरानी बातों को भूल चुका होगा? और फिर अचानक ही खर्राटों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं और सोफे में हलचल सी मचती है। फिर कमरे की हल्की हल्की रोशनी में एक बड़ा सा सिर नमूदार होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि मरमड्यूक के बड़े बड़े नथने हवा में फैली किसी बू को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर नबीर और माइक एकदम से खामोश हो जाते हैं और फिर कमरे में एक अफरा तफरी मच जाती है और मरमड्यूक, जो कि कमरे की हल्की और धीमी रोशनी में एक काला साया नजर आ रहा था, उस सोफे से नीचे छलांग लगाता है, गुर्राता हुआ, गुस्से से भरा हुआ। अंधेरे कमरे में कुछ फासले से उसकी खौफनाक गुर्राहट सुनाई देती है। माइक इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। वो चीखते हुए नबील से कहता है, नबील इसे रोको। ये खौफनाक सूरत हाल देखकर, जबकि करीब था कि अगले ही लम्हे मरमड्यूक माइक पर हमला करने ही वाला था, नबील ऐन मौके पर इंतहाई तेजी से मरमड्यूक पर छलांग लगाकर उसे दबोच लेता है और उसे जमीन पर ढेर करके उसके आगे बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश में लग जाता है। और ये वही एक लम्हा और ऐन मौका होता है जो माइक के लिए वहां से जान बचाकर भागने के लिए काफी होता है। वो बिजली की सी तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देता है, जबकि दूसरी तरफ नबील बावजूद कोशिश के भी मरमड्यूक को ज्यादा देर तक अपने काबू में नहीं रख पाता, क्योंकि मरमड्यूक न सिर्फ नबील के कद के बराबर था बल्कि वो ताकत में नबील से भी कुछ ज्यादा ही था। दौड़ते दौड़ते माइक गेट तक पहुंचता है, दरवाजे के हैंडल को पकड़कर नीचे करता है, हैंडल खींचकर दरवाजा खोलकर और बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। नबील दरवाजे से निकलने के बाद दरवाजे को मजबूती से बंद करना हरगिज नहीं भूलता, और कुछ ही लम्हों के बाद वो दौड़ते दौड़ते जब पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसे मरमड्यूक के बड़े बड़े पंजे दरवाजे के करीब ही बनी हुई एक खिड़की के शीशे पर नजर आते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आग बरसाती माइक पर जमी होती हैं, उसकी खौफनाक गुर्राहट और धाड़ की आवाज़
सुनकर घर में मौजूद तमाम कुत्ते भी ऊंची ऊंची आवाजों में भौंकना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसा महसूस होता है कि अड़ोस पड़ोस के तमाम कुत्ते भी उनके साथ मिलकर धाड़ने और भौंकने में शामिल हो चुके हैं। घर के मेन गेट पर पहुंचकर माइक दरवाजे को एक मंजे हुए तजुर्बेकार एथलीट की तरह फैलांगता है, जैसे कि वो अपनी नौउम्री में होता था। दरवाजा फैलांगते ही दरवाजे की दूसरी तरफ गंद और कचरे से भरी जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई होती है। वो कांपते हाथों से अपनी जैकेट और ट्राउजर को झाड़ता है और अपनी जेब से एक बड़ा सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे और माथे पर आए पसीनों को साफ करता है और फिर वो नबील को बाय कहता हुआ और हाथ हिलाते हुए पीछे मुड़कर देखे बगैर ये कहते हुए कि अच्छा नबील, मैं तुम्हें फिर कभी कॉल करूंगा या शायद अब हमारी मुलाकात किसी दिन कस्बे में ही कहीं हो जाए। लेकिन फिर इसके बाद नबील और माइक की कभी दोबारा मुलाकात नहीं हो पाती। डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है। Now, here comes the title page of the topic, Does He Remember? So, before starting to write down the question answers and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. And then you will write down the words to know first before starting the question answers. Now, here we have 6 question answers of the chapter Does He Remember, which to be done properly and neatly in your text copy. Now, after the question answers, it's time to do the textbook exercises. Here we have 2 pages which to be done in your text copy. टेक्स्टबुक की इन तमाम एक्सरसाइजेस को ही कॉपी करना है जिन्हें टिक किया गया है और ये टेक्स्टबुक एक्सरसाइजेस का पहला पेज है। एंड हियर कम्स द पेज नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा और उसी के मुताबिक आप प्रॉपरली काम करेंगे। Now, we are going to do workbook exercises. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students, note that workbook ki tamam exercises workbook mein hi solve ki jayengi. Here we have our new Oxford Modern English Workbook 5. Mujhe umeed hai ki aap sab ke paas ye workbook zarur maujood hogi. Dear students, we have 4 pages of workbook which to be done in your workbook. और सिर्फ वही एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट की जाएंगी जिन्हें टिक किया गया है। सो दिस इज आवर पेज नंबर 1, दिस इज आवर पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3 एंड हियर कम्स द पेज नंबर 4।